नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नरक निवारण चतुर्दशी की, जिसको हम छोटी दीपावली भी कहते हैं। ये होती क्या है, इसके बारे में जानेंगे विस्तार से। ये भी आपको बताएंगे कि इस दिन के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए, ताकि हमारे जीवन में अगर कोई बाधाएं आ रही हैं तो उनको दूर किया जा सके, और इस दिन करने वाले उपाय हमारे लिए कितने कारगर सिद्ध हो सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे पंडित जी से। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुडलक मंत्र के साथ। नरक चतुर्दशी पर शाम के समय में हनुमान मंदिर जरूर जाइए, हनुमान जी को लाल वस्त्र अर्पित करिएगा और हनुमान जी से प्रार्थना कर लीजिएगा। अगर कोई मुकदमा चल रहा है या किसी विवाद में फंसे हुए हैं तो ये छोटा सा उपाय करने से आपको मुकदमे और विवादों से छुटकारा मिल जाएगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेते हैं 30 अक्टूबर यानी बुधवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 30 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दोपहर 1:15 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, रात के 9:43 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12:00 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और शुरुआत में जैसे हमने आपको बताया, हम बात कर रहे हैं नरक चतुर्दशी के बारे में। तो क्या होता है नरक चतुर्दशी का ये पर्व, और पंडित जी इसकी महिमा क्या है, उसके साथ शुरुआत करते हैं। जी देखिए, दीपावली जो है वो अपने में केवल एक पर्व नहीं है। दीपावली मुख्यतः 5 पर्वों का एक संयुक्त स्वरूप है। पंच पर्व की है दीपावली। पहला पर्व है धनतेरस और दूसरा पर्व है नरक चतुर्दशी, या जिसको नरक निवारण चतुर्दशी कहते हैं। दीपावली के एक दिन का जो पहले का दिन है वो सौंदर्य प्राप्ति का और आयु प्राप्ति का दिन होता है। नरक चतुर्दशी कहते हैं इसको। इस दिन आयु के देवता यमराज की उपासना की जाती है और सौंदर्य प्राप्ति के प्रयोग भी किए जाते हैं। नरक चतुर्दशी पर भगवान कृष्ण की उपासना भी की जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि नरक चतुर्दशी पर भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। कहीं कहीं पर ऐसी भी मान्यता है, खास तौर से दक्षिण भारत में, कि छोटी दीपावली पर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी पर हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए छोटी दीपावली पर हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। जीवन में आयु की या स्वास्थ्य की अगर समस्या होती है तो नरक चतुर्दशी के दिन किए गए प्रयोगों से वो आयु की समस्या दूर होती है। नरक चतुर्दशी को बहुत लोग नरक चतुर्दशी कहते हैं और बहुत लोग नरक निवारण चतुर्दशी कहते हैं,
कि इस दिन पूजा करने से नरक का भय नहीं रहता। तो इस बार नरक चतुर्दशी या नरक निवारण चतुर्दशी 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी। और चलिए राशिफल पर आते हैं और सबसे पहले पहली तीन राशियों का वक्त जानेंगे। बारी आती है सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन वालों की, इनका भाग्य क्या कहता है जान लेते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होता जाएगा, धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, काफी व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा, मानसिक चिंताएं कम होंगी, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए जिस दिन की हम बात कर रहे हैं नरक चतुर्दशी की, इस दिन का संबंध स्नान और सौंदर्य से किस प्रकार से है वो समझते हैं पंडित जी से। सामान्यतः हम लोग ये जानते हैं कि छोटी दीपावली पर या नरक चतुर्दशी पर यमराज के लिए दीपक जलाया जाता है और यम देवता को प्रार्थना की जाती है, बस। लेकिन नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, यानी इस दिन का संबंध स्नान से भी है और सौंदर्य से भी है। कैसे है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि नरक चतुर्दशी पर यानी छोटी दीपावली पर प्रातः काल या सायंकाल चंद्रमा की रोशनी में जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन विशेष चीज का उबटन लगाया जाता है, चंदन का, आटे का, बेसन का उबटन लगाकर नहाया जाता है। जल जो है वो गर्म नहीं होगा, ताजा नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से आप नहाएंगे और नहाने के बाद आप दीप दान करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। ऐसा करने से न केवल अद्भुत सौंदर्य और रूप मिलेगा आपको, बल्कि जो स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं हैं आपकी, ये समस्याएं दूर होंगी। नरक चतुर्दशी पर यानी रूप चतुर्दशी पर अगर आप भोर में स्नान करते हैं, मान लिया आप 30 अक्टूबर को भोर में नहाते हैं, तो नहाने के बाद दीपक जरूर जलाइएगा
और अगर संध्या में स्नान करते हैं तब तो ठीक ही है, तब भी आप दीपक जलाइएगा। यानी स्नान करने के बाद दीप दान करने से तेज बढ़ता है और सौंदर्य की प्राप्ति होती है, आयु लंबी होती है। और चलिए राशिफल को आगे बढ़ाते हैं और बारी आ जाती है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। जानते हैं कि इनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। कर्क राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिला जुला कर ठीक रहेगी, परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई वाहन इस समय खरीद सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए उस सेगमेंट का जिसका आपको इंतजार रहता है उसकी शुरुआत कर लेते हैं, आज के शो का पहला प्रश्न। लेकिन उससे पहले आपको ही सूचित कर दें कि आप कोई प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में पहुंचा सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है, आप देख सकते हैं। तो आज के शो का पहला प्रश्न पंडित जी जान लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न हमें अर्चना चौहान जी ने लिखा है और अर्चना जी हमें मेरठ से मेल लिखती हैं। 21 नवंबर 1996 का जन्म है, जन्म का समय है शाम के 7:05, जन्म स्थान है मेरठ। अर्चना जी पूछ रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, फिलहाल मैं एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाती हूँ और सरकारी नौकरी में जाना चाहती हूँ, क्या मुझे सरकारी नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और सफलता मिले उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। अर्चना जी, शिक्षा के क्षेत्र में आपके सरकारी नौकरी पाने के योग जरूर बनते हैं और उसका बेहतर समय अप्रैल 2025 के बाद आरंभ हो रहा है, तो अप्रैल 25 के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है शिक्षा क्षेत्र में। और याद रखिए, सरकारी नौकरी जो मिलेगी उसमें आपको स्थान परिवर्तन करना होगा। सूर्य की कमजोरी की वजह से बार बार अड़चन आ रही है, तो आप ऐसा करें कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सुबह के समय एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और एक माणिक्य बनवा के पहन लें,
छः से आठ रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार की प्रातः माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बारी आ जाती है दूसरे प्रश्न की, और पंडित जी से ही पूछ लेते हैं कि कौन से दर्शक का सवाल है। पंडित जी अगला जी। अगला प्रश्न हमें हेजल ने लिखा है, मुंबई से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 14 मार्च 2008, जन्म का समय शाम के 5:45 और जन्म का स्थान है मुंबई। हेजल कह रही हैं कि मैं अभी 10वीं कक्षा में हूं और आगे मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए, कौन सा करियर मेरे लिए अच्छा होगा। हेजल, आपकी कुंडली के हिसाब से आप आगे विज्ञान की पढ़ाई करके मेडिकल के क्षेत्र में जाने का प्रयास करिएगा। पहले नंबर पे जो क्षेत्र आपके लिए बेहतर होगा वो मेडिकल का क्षेत्र होगा। दूसरे नंबर पे आप आगे लॉ के क्षेत्र में भी जा सकती हैं, मेडिकल या कानून, ऐसा क्षेत्र आपके लिए कुल मिला जुला कर अच्छा रहेगा। हेजल, अपनी आँखों का बहुत ध्यान रखिए, आँखों से संबंधित समस्या ना हो और चोट चपेट ना लगे, उपद्रव ना हो, इसका ध्यान बनाए रखिएगा। छोटे से दो काम करिए, रोज सुबह अगर संभव हो तो सूर्य को जल चढ़ाइए और सुबह या शाम जब भी आपके पास समय हो आराम से बैठ करके एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए चर्चा में अगली बात जो मैं पंडित जी से पूछना चाहती हूँ वो ये है कि नरक चतुर्दशी पर दीर्घायु अगर आप चाहते हैं और अच्छे स्वास्थ्य की कामना अगर आप करते हैं तो किस प्रकार से दीप प्रज्वलित करना चाहिए वो समझते हैं। देखिए, नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली पर दीपक जो जलता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि साल में सिर्फ 3 मौके ऐसे होते हैं जब आप यम देवता की पूजा करते हैं, वट सावित्री पे, नरक चतुर्दशी पे और भाई दूज पर। तो नरक चतुर्दशी पर यम देवता की पूजा कैसे करें, दीपक कैसे जलाएं कि दीर्घायु हो और अच्छा स्वास्थ्य मिले। नरक चतुर्दशी पर जो मुख्य दीपक जलता है वो लंबी आयु के लिए जलता है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जलता है। इसको यम देवता के लिए दीपदान कहा जाता है। घर के मुख्य द्वार पर जब आप घर से निकलते हैं तो लेफ्ट साइड में बाईं तरफ अनाज की ढेरी रखें, बेहतर होगा जरा सा गेहूं पहले जमीन पर रख दें, उसके ऊपर सरसों के तेल का एक मुखी दीपक जलाएं। दो बातियां होंगी क्रॉस करती हुई, लेकिन केवल एक सिरा जलेगा, एक मुखी दीपक होगा। दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद वहां जरा सा जल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और लंबी आयु की और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। आपको ये दीपक संध्या काल में जब बिल्कुल सूर्यास्त हो रहा हो, पूरी तरह अंधेरा भी ना हुआ हो और पूरी तरह से दिन भी ना हुआ हो, जब दो समय मिल रहे हो, गोधूली वेला हो, उस समय ये दीपक जलाना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। बहुत सारे लोग फैशन में उसी दिन नरक चतुर्दशी पर कई दीपक दरवाजे पर जला देते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिए। सिर्फ एक दीपक जलेगा, दीपक का सिरा दक्षिण की तरफ होगा और वो एक दीपक यम देवता के लिए जलेगा, सरसों के तेल का। ये फैशन में 4-5 दीपक मत जलाइए, ऐसा करना उचित
नहीं है। और चलिए राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और तुला, वृश्चिक और धनु वालों का भाग्य क्या कहता है वो भी जान लेते हैं। तुला राशि, धन के नुकसान से इस समय बचने का प्रयास करिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। खान पान में सावधानी रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किल कम हो जाएगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। वाहन का सुख मिलेगा। परिवार में मंगल कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता के अवसर मिलेंगे। संतान पक्ष की उन्नति होगी। इस समय आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अगला प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं और वो सवाल ये है कि अक्सर देखा गया है कि छोटी दीपावली के मौके पर कुछ जगहों पर हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, तो इस दिन हनुमान जी की उपासना कैसे की जानी चाहिए, विधि विधान क्या होता है वो जानते हैं। देखिए, ये बात सही है कि छोटी दीपावली पर भारत के दक्षिणी इलाकों में लोग हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाते हैं। तो कैसे मनाएंगे जन्मोत्सव, या अगर आप छोटी दीपावली पर हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? संध्या काल में हनुमान जी के सामने एक घी का दीपक अपने पूजा स्थान पर जलाइएगा। घर के बाहर केवल यम दीपक जलेगा। पूजा स्थान पर हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के सामने एक घी का दीपक जला दीजिएगा। हनुमान जी को तुलसी दल डाल करके लड्डुओं का भोग लगाएं। लड्डू नहीं है तो गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद पहले भगवान राम का स्मरण करिएगा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारो पितवाम भागम, पाड़ौ महासा यक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंश नाथम। पहले भगवान राम का ध्यान करें, स्मरण करें। इसके बाद हनुमान जी की पूजा करिएगा। या तो हनुमान जी के मंत्रों का जप करिएगा, या कम से कम 3 बार या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। ये छोटा सा काम आप यम देवता के लिए दीपक जलाने के बाद कर सकते हैं। पहले संध्या में स्नान करके यम देवता के लिए दीपक जलाएं और इसके बाद हनुमान जी की पूजा करके उनसे कृपा करने की प्रार्थना करें। और चलिए राशिफल के सिलसिले के अंत की तरफ बढ़ चले हैं और अब बारी आ जाती है अंतिम 3 राशियों की। मकर, कुंभ और मीन वालों का वक्त कैसा रहेगा वो भी जान लेते हैं।
मकर राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मीन राशि, विवाह तय हो सकता है, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन की प्राप्ति होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन से दर्शक का सवाल पंडित जी तक पहुंच गया है। जी, अगला प्रश्न हमें दिनेश जी ने लिखा है और दिनेश जी हमें झारखंड से मेल लिखते हैं। दिनेश जी की जन्म की तारीख है 20 अगस्त 1973। जन्म का समय है रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है गोमो, झारखंड। दिनेश जी कह रहे हैं कि मैं अभी रांची में नौकरी कर रहा हूं और नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में जाना चाहता हूं, तो मेरी नौकरी कब तक बदल पाएगी और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? दिनेश जी, सबसे पहले मैं कहूंगा कि जून 2025 तक अभी नौकरी बदलने का प्रयास ना करें। अभी आपकी नौकरी की स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं, बेवजह नौकरी बदल करके किसी समस्या में मत पड़िए। अभी जून 25 तक यहीं रहिए, प्रमोशन हो जाएगा, इंक्रीमेंट भी हो जाएगा। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो जून 25 के बाद प्रयास करके देख सकते हैं। अगर आपको तब भी लगता है कि नौकरी बदलनी चाहिए तो जून 25 के बाद कोशिश करके देखिएगा। आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर है, लेकिन शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने से, जुआ, सट्टा, लॉटरी या उधार देने से पैसे बचिएगा, अन्यथा आपका बहुत सारा पैसा डूब सकता है। फिलहाल एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहने, सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करें, आपका कल्याण होगा। और इसी के साथ बारी आती है आज के शो का आखिरी और अंतिम प्रश्न भी जान लेने की। कौन से दर्शक का है वो सवाल, वो अभी आपको बताते हैं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न मोहिनी जैन ने हमें लिखा है, ये आगरा से लिखती हैं। मोहिनी की जन्म की तारीख है 18 अप्रैल 1999। जन्म का समय शाम के 5:10 और जन्म स्थान है आगरा।
मोहिनी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और इस वजह से मेरी पढ़ाई में बार बार रुकावट आती है। मैं कोई तैयारी नहीं कर पाती, मैं कोई पढ़ाई नहीं कर पाती, जीवन ठीक से चल नहीं पाता। तो मेरे स्वास्थ्य में समस्या है क्या, क्योंकि रिपोर्ट में तो कुछ आता नहीं है, और क्या उपाय करूं जिससे मैं स्वस्थ भी रहूं और जीवन में उन्नति कर सकूं। मोहिनी, आपको जो समस्या है ना, उसको ज्योतिष में माइल्ड डिप्रेशन कहते हैं। ये समस्या आपकी टोटली पूरी तरह से मानसिक है। अनावश्यक तनाव और दबाव, अनावश्यक चिंता आपको डिप्रेशन दे रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करें। आपके दिमाग में जो केमिकल कम हो गया है, डॉक्टर उसे बैलेंस करेंगे, आपको जल्दी राहत मिलेगी। और ज्योतिष के हिसाब से आप एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनिए, और रोज सुबह और रोज शाम नमः शिवाय का जितना अधिक आप जप कर सकें उतना ज्यादा करने से आपको लाभ होगा। भविष्य में आप मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंटिंग ऐसे क्षेत्र में करियर बनाइएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 30 अक्टूबर को जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है उनका वक्त कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 30 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की समस्याएं हल होंगी, धन और कर्ज की स्थिति में सुधार होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों के विवाह का योग बन रहा है। इस साल आपके स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या करेंगे, पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज के शो की जिज्ञासा क्या कहती है। आज की जिज्ञासा है कि क्या नरक चतुर्दशी पर भी दान करना चाहिए, क्योंकि धनतेरस पर तो हम दान जरूर करते हैं, क्या नरक चतुर्दशी पर भी दान करेंगे। देखिए, नरक चतुर्दशी पर आप वस्त्र का और सौंदर्य प्रसाधन का दान कर सकते हैं। अगर ये दान किसी सौभाग्यवती स्त्री को करें तो बहुत अच्छा होगा। नरक चतुर्दशी पर वस्त्र और सौंदर्य प्रसाधन का दान किसी सुहागन महिला को करें तो इसके परिणाम बहुत शुभ होंगे। 30 अक्टूबर बुधवार के शुभ पहर के बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हैं। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 30 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 के बीच में। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जला दीजिएगा। ऐसा करने से समस्त परिवार के आयु की और स्वास्थ्य की रक्षा होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 30 अक्टूबर बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 के बीच में। और शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए बारी आ गई है आपकी राशि जान लेने की। तो जानते हैं कि आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको अब बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोगों का संतान पक्ष कैसा होता है।
आज की गुड लक राशि है मेष राशि। सामान्यतः इनका संतान पक्ष अच्छा होता है, हालांकि संतान के साथ विचार नहीं मिलते, तालमेल में दिक्कत होती है, लेकिन संतान का सपोर्ट जीवन में बहुत मिलता है, इसलिए कुल मिला जुला के संतान पक्ष ठीक रहता है। तो चलिए, तमाम जानकारियां आपने जान ली, तमाम उपायों के बारे में जानकारी आपने प्राप्त कर ली है। बारी आती है महा उपाय के बारे में जानकारी लेने की, तो पंडित जी से ही पूछ लेते हैं कि आज का महा उपाय कौन सा है। पंडित जी, जी आज के महा उपाय में आपको बताते हैं नरक चतुर्दशी पर कर्ज मुक्ति के लिए कौन से उपाय करें। नरक चतुर्दशी पर रात में यानी 30 अक्टूबर की रात में एक विशेष प्रयोग करें। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने एक शुद्ध सरसों के तेल का एक मुखी दीपक जलाइएगा। ये विशेष प्रयोग है, इसलिए एक सरसों के तेल का दीपक ही जलेगा। इसके बाद ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट, ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट, इस मंत्र का जितना संभव हो कम से कम 3 माला या 11 माला जप करिएगा, और जप करने के बाद हनुमान जी से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिएगा। ये छोटा सा प्रयोग अगर आप छोटी दीपावली पर या नरक चतुर्दशी पर करते हैं, आपको कर्ज से राहत अवश्य मिलेगी। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां हम सबके साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए, आज के इस विशेष एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जा रही हैं, आप देखते रहिए जी। नमस्कार।